हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में सी टू की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म सी टू रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटे से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने सी टू को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर सी वन की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, सी टू मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूजर ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूजर ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, सी टू एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में सी टू की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म सी टू रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ
2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटे से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत
एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेट में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है, जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेट में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त
यानी बिट्टू, आपाशक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी, अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपाशक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटे से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है, जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, ज़रूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपाशक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है।
राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपाशक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर आप हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिर कटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है, जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, ज़रूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपाशक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ड है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है।
खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपाशक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिर कटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है, जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपाशक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपाशक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं।
उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिर कटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने ऑलरेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी ह्यूमर म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूजर ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूजर ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी
कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटे से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट
का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजयन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने ऑलरेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं, थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, ज़रूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटे से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है।
जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजयन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने ऑलरेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं, थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटे से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर लगता है। दिनेश विजयन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है।
मैडॉक्स की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं, थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, जरूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपा शक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपा शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमज़ोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक्स फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक्स की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने
और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है, जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, ज़रूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपाशक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपाशक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमज़ोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने
और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी स्ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है, जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, ज़रूर देखें। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में C2 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म C2 रिलीज हो गई है। हॉरर कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी चंदेरी गांव से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार इस गांव में सरकटे का दहशत है। इस बार गांव में लड़कियां गायब हो रही है। सरकटे सर वाले प्रेत एक एक करके गांव की लड़कियों को अपने चपेटे में लेता है। इस बार उन्हें बचाने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर लेती है। इसके लिए वे विक्की यानी राजकुमार राव को वे अपना साझेदार बनाती है। विक्की की सहायता करते हैं उनके दोस्त यानी बिट्टू, आपाशक्ति खुराना, जन्ना यानी अभिषेक बैनर्जी और रुद्र यानी पंकज त्रिपाठी। अब क्या चारों दोस्त मिलकर सिरकटे को मात दे पाते हैं या नहीं, कहानी अंत तक इसी पर बेस्ट है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की तिगड़ी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। खास तौर से राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री टाइम लाजवाब लग रही है। आपाशक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। फिल्म में अक्षय कुमार का भी सरप्राइज कैमियो है, जिसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें अचानक स्क्रीन पर देखना शानदार एक्सपीरियंस था। वरुण धवन भी भेड़िया बनकर कुछ सीन में सिरकटर से लड़ते हुए दिखे हैं। तमन्ना भाटिया का भी कम लेकिन प्रभावशाली रोल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में पूरी कसर लगा दी है। फिल्म शुरू से अंत तक हॉरर और कॉमेडी का तगड़ा डोज देती है। डायलॉग भी काफ़ी फनी लगते हैं। विजुअल और साउंड इफेक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो इतना शानदार बना दिया है कि उसके आगे सेकेंड हाफ एवरेज लगता है। जिस हिसाब से स्टोरी शुरू से अंत तक बढ़ती है, उस हिसाब से क्लाइमेक्स थोड़ा कमज़ोर लगता है। दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म ने अपना एक हॉरर यूनिवर्स शुरू कर दिया है। इस फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल गई है। मैडॉक की पिछली फिल्म मुंजा और भेड़िया का तो इसमें जिक्र है ही। आगे चलकर अक्षय कुमार भी इस यूनिवर्स में शामिल हो गए। म्यूजिक भी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष में से एक है। गाने और रेडी चार्टबस्टर बन चुके हैं। इन थिएटर में सुनने में और अच्छे लगते हैं।
फिल्म में कॉमेडी, ह्यूमर, म्यूजिक और हॉरर सीन सब अपनी जगह पर सही है। छुट्टी वाले इस लंबे वीकेंड के लिए यह फिल्म अच्छी ट्रीट साबित हो सकती है। फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है फिल्म। इस फिल्म को देखकर आने वाले लोग ट्विटर एक्स पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। एक यूज़र ने C2 को देखने के बाद एक्स पर लिखा, भाई साहब पूरा थिएटर हंस हंस कर पागल हो गया है। शुरू से ही मूवी काफ़ी अच्छी है। इसे कहते हैं सीक्वल, जहां मेकर C1 की लेगेसी को आगे लेकर गया है। दूसरे यूज़र ने लिखा, C2 मज़ेदार फिल्म है। सबसे ज़्यादा मुझे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया है जो जस्टिन वर्सेन ने बनाया है। एक और अन्य यूज़र ने लिखा, ब्लॉकबस्टर लोडिंग फिल्म देखकर निकले। एक और यूज़र ने लिखा, जिस तरह से सभी किरदार को दर्शाया गया है वह हैरान कर देता है। मूवी आपको एक ही समय में हंसाती है, रुलाती है और चीख निकालती है। बहुत ही मनोरंजक है। किसी एक ने लिखा, C2 एक मेगा एंटरटेनर है। एक ही समय पर हंसाने और डराने में निर्देशक अमर कौशिक सफल हुए हैं। सभी के अंदर से कॉमेडी नेचुरल आ रही है जो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज की फिल्म में ये मुश्किल से देखने को मिलता है। आप यह फिल्म मिस नहीं कर सकते हैं, ज़रूर देखें।